What's up guys, कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक ऐसा गेम जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना है. मैं पहले बता दूं, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को रात में बुरे सपने आने लग जाएं. आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कोई इंसान अगर मर जाता है तो कई रिलीजियस में उनकी बॉडी को एक कॉफिन में डाल के जमीन के अंदर दफनाया जाता है. बट इस गेम में हमारा करेक्टर मरा नहीं है, किसी ने हमें पकड़कर जिंदा ही एक कॉफिन में डाल के जमीन के अंदर दफना दिया है. मतलब हम लोग मरे नहीं है, हम लोग जिंदा है और उस छोटे से बक्से में फंसे हुए हैं और हमें किसी ने जमीन के अंदर डाल दिया है. तो आज हमें इस गेम में उस कॉफिन बॉक्स से बाहर निकलना है. पता नहीं यार ये काम कैसे होने वाला है, क्योंकि उस छोटे से कॉफिन में हाथ पैर भी ढंग से मूव नहीं हो सकते. लेट्स गो, चलते हैं गेम में, देखते हैं क्या करना है. ओके, तो गेम स्टार्ट हो चुका है और ये कोई ब्लैक स्क्रीन नहीं है. मैं कॉफिन में बंद हूं तो ऑब्वियसली बहुत अंधेरा होगा यहाँ पे. ये ओपन करने का ट्राई कर रहा है बट कॉफिन बहुत टाइटली बंद हो रखा है, ओपन नहीं हो रहा. भाई ये चिल्ला के हेल्प मांग रहा है. नहीं है भाई कोई आसपास भी नहीं है भाई, किसी को हमारी आवाज नहीं जा रही है. हमें ही कुछ करना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए. कुछ मिला क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूंगा क्या, इतना ज्यादा अंधेरा है, कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ दिख ही नहीं रहा है. बट इसको कुछ मिला क्या? क्या ढूंढ रहा है? ओ भाई, जिस भी बंदे ने हमें यहाँ पे पकड़ के इस कॉफिन में बंद करा है भाई, वो हमसे फोन तो छीनना ही भूल गया. अपने पास फोन है जिसमें फ्लैश लाइट है, बट एक सेकंड, ये फोन में सिर्फ और सिर्फ 24% चार्जिंग है भाई. ये क्या है यार, कुछ दिख भी नहीं रहा भाई. तो ये कैसा सा जगह है यार. मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए ओपन कर सकता हूँ बट अबे यार इधर एक दो कितने सारे लॉक्स है भाई. लेफ्ट में भी लॉक है, इधर एक गत्ता है, इसको सामने एक मकड़ी बैठी हुई है. मुझे समझ नहीं आ रहा इस कॉफिन में इतना ज्यादा कचरा क्यों है, चारों तरफ पैर पे भी इतना सारा कचरा यहाँ पे गिरा पड़ा है मेरे. वेट भाई, फोन की बैटरी 22% हो चुकी, फ्लैश लाइट बंद करो. एक सेकंड, मेरे पास फोन है तो मैं किसी को भी मैसेज कर देता हूँ ना भाई. मैं एक जगह बंद हूँ, मुझे बचाओ भाई. मॉम को मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैसेज भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क ही नहीं आ रहा है भाई. मेरे को जमीन के कितना अंदर गाड़ दिया है यार, ना मैं मैसेज कर पा रहा हूँ ना मैं कॉल कर पा रहा हूँ. ये सैम कौन है? इसका टेक्स्ट चैट ओपन हो गया. ऑलमोस्ट डन, व्हाट एल्स डू यू नीड? भाई ये क्या फालतू की चैट. एक मिनट, नीचे कुछ तो एक अजीब सा मैसेज भेजा है उसने. कॉफिन, कचरा का डब्बा और ये बॉटल, ये क्या है? उसका रिप्लाई हमें नहीं आया. वेट यार, फ्लैश लाइट जलाओ. अंधेरे में तो मुझे और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस जगह से बाहर कैसे निकलूंगा, इधर ताले वाले बहुत ज्यादा हैं. ये एक सामने डब्बा कहां से आया? अरे ये क्या डब्बा है? पता नहीं, कह रहे जो भी डब्बा हो भी मेरे को करना क्या है पता नहीं. खुले, ओह वेट, यू विल डाई हियर. भाई यू विल डाई हियर के नीचे कुछ तो डॉट्स बने हैं, 1531, ये मुझे कोई कोड लग रहा है. ओए यहां पे की है, मुझे की मिल गया, मुझे की मिला शायद से वो किसी ताले में, इसमें खुल गया. मैंने ताला खोल दिया है और इसके अंदर से मुझे एक पत्थर मिला है. और ये क्या है? कुछ तो मुझे एक बटन मिला है, इसमें लगेगा क्या वो? कुछ तो मेरे को मिला. ओह मुझे लग ही रहा था वो इसका कोई स्विच है, बट इसे करना क्या है? इससे कोई तो कोड बनेगा, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या कोड बनेगा. और भाई राइट साइड में ये क्या है? इधर कुछ पड़ा हुआ है. ये क्या है? ओ लेट्स गो, मुझे लाइटर मिल चुका है. तो ठीक है, अभी मुझे ज्यादा देर तक अपनी फ्लैश लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है. भाई ये हाथ किसका आया था इधर? भाई कौन है यार? ओ भाई मैं लाइटर जलाओ. लाइटर, हाँ मुझे गाइस लाइटर मिल चुका है. मैं फोन की बैटरी बहुत बचा के रख सकता हूँ, फोन को साइड रख देते हैं, फोन की जरूरत कभी भी पड़ सकती है. भाई कसम से दिमाग ही खराब हो गया था भाई अभी तो. भाई यहाँ पे कोई है यार मेरे आगे पीछे, सच में अजीब सा डर लग रहा है अभी. एवरीथिंग इज फाइन, बिल्कुल भी नहीं है भाई. ये क्या है? यहाँ पे एक बोतल पड़ी है, बोतल पे कोड लिखा है. बोतल मैंने यहाँ देखी थी और एक बोतल मैंने फोन में देखी थी. ये देखो यहाँ पे बोतल इसकी चैट में थी ना. यहाँ पे लिखा है कॉफिन, कचरे का डब्बा और बोतल, ये तीन चीजें यहाँ बनी थी. और ये जो बोतल है शायद से इससे कुछ तो कोड बनेगा. और यहाँ पे एक मिनट, पीछे भी एक डब्बा पड़ा है. ये क्या डब्बा है? ओ इसमें तीन डिजिट का कोड डलना है और यहाँ पे तीन डिजिट के मार्क्स है. मुझे गाइस कोड ढूंढने, तीन कोड ढूंढने, वो कोड यहाँ पे डलने वाले. 8 मुझे मिल चुका है. ये देखो इस डब्बे के अंदर कुछ ना कुछ मेरे काम की चीज है और वो कोड यहाँ पे डलेगा. ठीक है भाई, फोन को संभाल के रखना है मुझे. फोन बंद हो जा भाई. वैसे यार यहाँ पे लोकेशन भेजने का भी, क्या मैं भेज सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई. तो फोन को बंद करके रख दो, उसकी जरूरत नहीं है. वैसे एक सेकंड यार, फोन के फ्लैश लाइट से ना ज्यादा दूर तक का दिखता है. यहाँ पे कहीं और कहीं कोड लिखा है क्या? देखने में तो नहीं लग रहा है, इधर भी कुछ नहीं है. अबे भाई किसका हाथ है यार ये? वो पीछे कोड है, पीछे कोड है. मुझे मिला 8 और शायद से कचरे के डब्बे. 8 और 9, एक कोड ये रहा 8, एक कोड ये रहा 9. कॉफिन पे है 9, इस पे है 8 और इस पे है बोतल पे 8. तो इसके मैसेज में जो बना था, कॉफिन पे हुआ 9, 8 और 8.
ठीक है तो कोड हुआ 988 शायद से, डाल के देख लेते हैं भाई। रुको रुको, कोड बाद में डालेंगे, पहले भाई फोन का वो बंद करो, फ्लैश लाइट बंद करो भाई। 988 कोड है, मुझे कोड मिल चुका है, बस एक काम कर जाए 988 पे जाना है ना, 8 और इसी के साथ 988 डल गया था वो शायद से, इसलिए ओपन हो चुका है। ठीक है भाई, इसके अंदर से मुझे एक ये मिला है और एक और की मेरे को मिल चुकी है, ये मुझे यहाँ पे लगाना है, यहाँ इधर लग जाएगा ये, मुझे ऐसे दो और ढूंढने हैं तब शायद से कुछ कंप्लीट होगा। और एक की मुझे मिली है, की मुझे लगानी है ये ताले में, यस एक और ताला मैंने ओपन कर दिया और उस ताले से मुझे एक हथौड़ी मिली है और एक और स्विच मिला है, पहले स्विच को भी यहाँ पे लगाए थे, मुझे एक स्विच और ढूंढना है बस, बाकी फोन तू बैठ जा भाई थोड़ी देर, तेरा काम हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मुझे ये वाला ताला भी अभी खोलना है, कोई आवाज आई है मुझे, पता नहीं कौन है। ओ मुझे एक और स्विच मिल गया, मुझे एक और स्विच मिल गया, मुझे इस स्विच को लगाना है यहाँ पे। तो मैंने अभी इस डब्बे में चारों स्विच लगा दिए हैं, बट इसका करना क्या है मुझे ये नहीं समझ। ये क्या है यार, ये दिख रहा है तुम्हें, पागल है क्या भाई तू आधा। मुझे यहाँ पे कुछ तो कोड बनाना है भाई, कुछ ओके नहीं है भाई, ये कैसे बनेगा। इसको ऊपर रख दूं, इसको बीच में रख देते हैं, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे 1 2 3 4 कोई तो कोड है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है, रैंडम है क्या, कुछ तुक्का भेड़ना है, लाइन बनानी है, क्या करना है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ओए एक मिनट, शायद से यहाँ पे कुछ था ना, ये ना ये कुछ क्या है, यू विल डाई हियर, इसमें फर्स्ट में है 1 डॉट, फिर 5 डॉट, फिर 3 डॉट 1 डॉट, इसका मतलब ये तो नहीं है 1531। अरे यार तू जा रहा है ऐसे क्यों डरा रहा है, एक सेकंड, कोड ये हो सकता है 1531, तो ये हुआ 153 और ये हुआ 1। ओ खुल गया खुल गया शायद से, यस भाई खुल चुका है, और मुझे इसके अंदर से एक और की मिल गया जो कि इसका है, यस एक और की मिल गया और हमने ये वाला लॉक भी खोल दिया है। खुल जा, अरे खुला नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है लॉक खुल क्यों नहीं रहा, चारों ताले खोल डाले भाई, खुल जा। यहाँ पे कुछ तो है, मेरे को एक हथौड़ी मिली थी भाई, ऐसा तो नहीं है कि फोन की फ्लैश लाइट ऑन करने पे चलेगा। अबे किसका हाथ है, जाना यहाँ से, दिमाग खराब कर रखा है। ये क्या है भाई, ये किसी भूत का हाथ आया, उसमें से मुझे कॉइन मिला, तेरा हाथ है क्या भाई, कॉइन यहाँ लगेगा क्या, यहाँ पे लिख कर आया था हमें कुछ चाहिए और ये भी पीछे हो गया। इस बोल्ट को ओपन कर डाला है, हथौड़ी से बाहर हो गया, शायद से मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, इधर भी मारना है मुझे कॉइन से, स्क्रू ओपन हो चुका है भाई और हथौड़ी से मार के से बाहर करना है भाई, लेट्स गो 3 2 1 हो गया भाई, जाना यार मेरे को मार मत दियो, फोन की बैटरी 7% बची है। ओ! शायद से मैंने स्केप कर दिया, वेट वेट रुक जाओ, अभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है भाई। भाई दम लगा रहा है बंदा, बहुत ज्यादा दम लगा रहा है, आवाज आ रही है, करते हो जाएगा भाई, स्क्रीन में कुछ दिखाई देते, कहाँ फंसा हूँ मैं जो इतना अंधेरा है, हो गया बाहर, फाइनली हमने एस्केप कर दिया भाई, लेट्स गो भाई। ये सच में बड़ा अजीब गेम था यार, मेरे को ये नहीं पता था कि भूत भी हमारे कोई पीछे बैठा हो, उसके हाथ आ रहे हैं, कभी पीछे से झांक रहा है, कभी सिक्का लाके दे रहा है। ये हेलोवीन का कोई गेम था, हैप्पी हेलोवीन, जो कि जा चुका है, बट कोई बात नहीं। ठीक है गाइस, काफी छोटा गेम था, बट मैं सच बताऊं, मेरे को बहुत पहले बचपन में एक बार इस टाइप का सपना आया था कि मैं कॉफिन में फंस चुका हूं, और सपने में मैं एस्केप नहीं कर पाया था, मैं बस डर के उठ गया था, मेरी भी ऐसे आंखों के आगे अंधेरा था, मैं कुछ निकल नहीं पा रहा था, और बहुत अजीब सपना था वो। अगर आप लोग को भी इस टाइप के कुछ अजीब सपने आए हैं, तो अगर तुम गेम डेवलपर बनना चाहते हो तो उस पर गेम बना दो, मैं तो सही बता रहा हूं, मैं खेलूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। बाकी हां, आए हैं सपने तो कमेंट्स में जाके जरूर बताना, बाकी आई होप आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इस टाइप के नए नए गेम्स मेरे को सच में बहुत अच्छे लगेंगे, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।